Minister of Parliamentary Affairs, Kiran Rijiju, speaks on One Nation, One Election. He stated that many bills are going to come, and I believe the issues like One Nation, One Election are going to come up in the upcoming Parliament session. Rijiju confirms legislative push for electoral reforms and pitches for One Nation, One Election, says it is likely to come up in the upcoming Parliament session. Prime Minister Modi said that if we want to take this country forward, elections should be held once in 5 years and then keep working for 5 years. That's what Kiran Rijiju is saying. Quoting the Prime Minister, he says that he believes that the report on One Nation, One Election, which was prepared under the chairmanship of former President Ramnath Kovind, report is going to be brought up in the Parliament in the upcoming session. Let's tell you, viewers, the Union Cabinet led by Prime Minister Modi has approved One Nation, One Election report. Let's first listen into that statement from the Union Minister. देश को आगे बढ़ाना है तो एक बार चुनाव होना चाहिए 5 साल में, फिर 5 साल काम करते रहो, टेंशन में इधर उधर इलेक्शन प्रचार का जरूरत नहीं है, फिर आप आगे जाकर के 5 साल में फिर चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अध्यक्षता में जो बनाए, वो जो रिपोर्ट पेश किया है, अब पार्लियामेंट में हम लोग लेके आने वाले हैं। अब इसको जो विरोध करने वाला अपना एक तर्क होता है, डेमोक्रेसी में विरोध करने का अधिकार भी उतना ही है जितना पक्ष में बोलने वालों का है, तो इसमें विरोध करने वाला आप सुनेंगे तो उसका भी तर्क आपको अच्छा लगेगा। वो कहेंगे कि सब स्टेट को अपना अपना इलेक्शन करने का अधिकार होना चाहिए, क्यों सारा देश एक साथ इलेक्शन होना है, और किसी राज्य को दूसरे राज्य के साथ क्यों टाइमिंग फिक्स कराना है, कई तर्क देंगे, उसका भी तर्क होते हैं। लेकिन जब आप बहुत सम्मिलित करके सबका तर्क सुनेंगे फिर आप निर्णय करेंगे कि कौन सा पक्ष सही है। तो हम लोग ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि हम एक देश है, एक साथ वोट डालना चाहिए और एक ही मुद्दा देश भर में चलना चाहिए। हमारा ये बहुत बड़ा एक संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूं अभी पार्लियामेंट 25 तारीख से चलने वाले हैं, कई बिल्स आने वाला है, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल है, वो मेरे ही मंत्रालय का सब्जेक्ट है, माइनॉरिटी अफेयर्स का, और मैंने ही पिछले सदन में पेश किया था। इसी प्रकार से कई बिल आने वाले हैं।